नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ AK वर्मा। इसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है और आज यहां पर देश का सबसे बड़ा जो केस है वो चल रहा है। जी हां, पश्चिम बंगाल का आरजीगर हॉस्पिटल का जो मामला है, जहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप करने के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसका मामला पिछले कई दिनों से देश भर के तमाम हिस्सों में आग की तरह फैला हुआ है। आज उसकी जो जाँच है या कहें जिसकी सुनवाई है, आज वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। लगातार पिछले कुछ घंटों से यहाँ पर जांच चल रही है। मैं आपको जो अभी तक का जो सुनवाई हुई है उसके कुछ जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किन मुद्दों पर जो पूछताछ की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की चार सबसे सख्त टिप्पणियाँ रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि सुबह 5 बजे मौत की सूचना मिली तो रात 11:45 पर FIR क्यों? वहीं अगर दूसरी बात करें तो अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम कैसे हुआ? इसके अलावा पिछले 30 सालों में पुलिस की ऐसी लापरवाही नहीं देखी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बात कही गई है कि पिछले 30 सालों में इस तरह की पुलिस प्रशासन के द्वारा लापरवाही देखने का ये मामला उनके लिए पहली बार है। इसके अलावा इस केस में महिला ASP अधिकारी की भूमिका पर उन्हें संदेह है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है। हालांकि अभी तक की सुनवाई में इस तरह के खास मुद्दों पर चर्चा हुई है। हालांकि जो आगे की सुनवाई है उसे 2 बजे के बाद तक के लिए टाल दिया गया। इसके अलावा मैं और भी कुछ चीज़ें बताऊँ तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह भी है कि उन्हें पश्चिम बंगाल के जो पुलिस प्रशासन है उन पर संदेह है कि किस तरह से मामले को दबाए जाने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि देखना है कि 2 बजे के बाद जब सुनवाई शुरू होगी तो किन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र रहेगी। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ मैं AK वर्मा, डायनामाइट न्यूज़, नई दिल्ली।